क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किस किस पर्सन को ये जानकारी पता थी? खैर छोड़िए, जिसे भी पता थी गलत पता थी, क्योंकि भारत का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा नहीं बल्कि स्वास्किल वाइपर है। आखिरकार स्वास्किल वाइपर के अंदर ऐसा क्या है जो भारत के सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है? चलिए इस सांप के बारे में थोड़ा सा विस्तारपूर्वक जानते हैं। इस सांप के अंदर बहुत ही पावरफुल हीमोटॉक्सिक वेनम होता है जो बॉडी के अंदर जाते ही ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमाने लगता है और शरीर के अलग अलग हिस्से को अलग अलग पार्ट को डैमेज करने लगता है, जैसे किडनी या फिर लीवर, और काटे हुए स्थान के आसपास स्वेलिंग के साथ साथ गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है। अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी कई कारण हैं जो इस सांप को बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। पहला है इसकी लंबाई और दूसरा है इसका स्वभाव, इसका बिहेवियर। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो यह ज़्यादातर आपको 1 फीट या 1.5 फीट का देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी अधिकतम लंबाई 2.7 फीट की होती है। दोस्तों इसके बिहेवियर की, इसके स्वभाव की बात करें तो ये सांप सिर्फ काटने के लिए पैदा हुआ है। दोस्तों अगर आप इसके नज़दीक जाएंगे तो ये एक बॉडी को अपने रफ करके एक आरी जैसी आवाज़ निकालता है ताकि आप उससे दूर हो जाएं। ये आपको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर मैं हूँ और मुझसे आप दूर हो जाओ, लेकिन फिर भी आप इसके नज़दीक जाते हैं तो ये आपको बाइट करेगा। तो इसका जो बाइट करने का तरीका है, ये बिल्कुल बिजली की रफ्तार पे बाइट करता है और जैसे बिल्कुल रसल स्वाइपर की तरह, लेकिन रसल स्वाइपर बड़ा और भारी होने की वजह से उतना फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाता और अपनी छोटी लंबाई के कारण ये इस तरह से मूवमेंट कर सकता है जो एक बड़ा सांप नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें किंग कोबरा की, तो किंग कोबरा एक बहुत ही भारी भरकम सांप होता है। जब भी ये मूवमेंट करता है तो एक समय लेता है, एक टाइम पे मूवमेंट करता है, लेकिन वहीं स्वास्किल वाइपर अपने छोटे शरीर के कारण बिल्कुल फास्टली मूवमेंट करता है, मूवमेंट में बिल्कुल समय नहीं लेता। और किंग कोबरा के माइंड को थोड़ा सा समझना आसान भी है और हमें पता चल जाता है कि अब ये हमारी तरफ मुड़ने वाला है या हमें बाइट करने वाला है। और वहीं अगर हम स्वास्किल वाइपर को समझें तो इसके माइंड को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हम तभी पता कर पाते हैं जब ये एस नामा अपने शरीर को, बॉडी को एस टाइप बना लेता है, तब हम समझ जाते हैं कि हमें बाइट करना चाहता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जब हम पता कर पाएँ कि ये हमें बाइट करने वाला है। तो बस यही कारण है जो इस स्वास्किल वाइपर को बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो हम फिर मिलते हैं इसी तरह सांपों से जुड़ी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।